पहले जो आज हमारा ये समाज का सोशल मीडिया है, मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भले ही जो जनरल का मीडिया था वो आपकी बातों को दबाता रहा, और उसी की वजह से उस दबाने को भी आपने यू टेक इट एज ए पॉजिटिव, यू हैव टू टेक इट इन ए पॉजिटिव नोट, बिकॉज आज हम लोग उसकी वजह से ऊपर उठ के आ गए हैं। अभी तक कोई पूछता नहीं था सोशल मीडिया को, मगर आज अगर दलित की दबे हुए की कुछ लोगों की आवाज़ उठाने वाला है तो वो केवल एक सोशल मीडिया है, उसमें से आप सभी जितने भाई बंधु बैठे हैं उनको धन्यवाद करता हूँ मैं। और रही एक बात जो अभी मैडम बोल रही थी, देखिए जहाँ समाज को रीपे करने की बात आती है दोस्तों, उसके लिए कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना उसमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा तभी आप समाज को और अच्छा कर पाएंगे, लोगों को मोटिवेट करना कर पाएंगे। और वही बात जो आप कह रहे थे कि मीडिया मोटिवेट करे, नहीं, मीडिया वो दिखाती है जो आप खुद करते हैं। मैं भी बात नहीं, बीच में बात, जो आप खुद लोग करते हैं मीडिया वो दिखाती है। आप ऐसा काम करें कि लोग आपसे मोटिवेट हो और मीडिया उसको और दिखाए ताकि लोग अपने आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट हों। तो हमारा मकसद ये है कि हमें रहे ऑफिसर्स की बात, जितना ऑफिसर्स है वो सभी अपने संवैधानिक तरीके से अपना काम करता है, अपने रूल रेगुलेशन से बंधा हुआ है, सीसी कंडक्ट रूल बंधा हुआ है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो समाज के अगेंस्ट या विपरीत में काम करता हो। तो ये सबसे अपने दिमाग के निकाल दें बात। रही अभी हमारे बुद्धा लोड से बोल रहे थे, मैं मैडम की बात बड़ी करता हूँ, ये हर समाज का आदमी किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करता है समाज को आगे बढ़ाने से, कोई पैसे से करता है, कोई मेहनत से करता है, कोई लेबर से करता है, तो हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। ये ना समझे कि उनके पास पैसा नहीं है तो हमारे लायक नहीं है, नहीं, गलत है दोस्तों ये वाली बात। रही दूसरी बात, आज तक आज़ादी से पहले भी जो लोग थे, जब भारत माता आज़ाद नहीं थी, जब जकड़ी हुई थी उसके अंदर कैद के अंदर, तब भी कुछ लोगों का ये कार्यक्रम था कि हमें आज़ाद ना करा के मानव के अंदर भेदभाव पैदा करना है, और आज भी वो चल रहा है। अगर हम कुछ नहीं कर पाते तो क्यों? क्योंकि हमारा समाज आपस में यूनाइटेड नहीं है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले तो ये है कि अगर मोटिवेट करने वाली बात रहती है तो हमें सबसे पहले यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम शायद कुछ कर पाएंगे, है ना। मुट्ठी बांध का जो काम होगा, जो फोर्स होगी, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले एक होने की ज़रूरत है, इरेस्पेक्टिव कि ये OBC है या SC ST में, तो ये उस कास्ट है, सब कास्ट में ध्यान हमें बिल्कुल नहीं देना है। तो अदरवाइज जो अभी आज का जो माहौल चल रहा है हम देख रहे हैं, तो इसलिए हमें आरक्षण की बात भी कभी चल रही है तो आरक्षण आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि जो आरक्षण आप देख रहे हैं कि जो डे बाई डे सरकारी नौकरियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, और जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं उनके अंदर प्राइवेट लोगों को ही, चाहे वो मैं उसी पर कंसर्न बोल रहा हूँ कि चाहे वो खत्म की जा रही है, चाहे उनका मोटिव है या खत्म हो रही है व्हाटएवर, क्योंकि आजकल कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को देना शुरू हो गया है, और जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वो ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट हैं, चाहे टाटा ले लें या कुछ भी ले लें, और उनमें आप ये मान के चलें कि क्योंकि हमें तो किसी तरह से भावना से निकाल दिया जाएगा कि इनके अंदर मेट्रो सिटी नहीं है, कि मतलब आपके अंदर योग्यता नहीं है, किसी भी रूप में आपको बाहर किया जाता है, कोई भी कुछ भी बहाना हो सकता है उसको निकालने के लिए। तो इसका मतलब जनरल के लिए उनका अपना रिजर्वेशन वहाँ हो जाएगा, इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि रिजर्वेशन अभी होना बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों। तो उन सब के लिए हम सबको साथ लड़ना है, और मीडिया जो हमारे साथ खड़ी है, आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जिस वातावरण में वो पैदा हुए, हमारे अंदर भी आज एक अम्बेडकर साहब छुपे हुए हैं, मगर हमें अभी हमें बाहर निकालने की ज़रूरत है, और माहौल ऐसा बन रहा है कि वो बाहर आ रहे हैं, जो हमारे अंदर गुण छुपे हुए हैं वो, अरे तो हमें उनको बाहर लाना है। एक रही और कई हज़ार डॉक्टर अम्बेडकर हमें पैदा करने हैं दोस्तों, तभी हम शायद आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।